एक कप सूजी, आधा कप बेसन, नमक स्वाद अनुसार, तीन चौथाई कप दही, दही को हमने फेंट लिया है, मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बनाएंगे, गाढ़ा बैटर। थोड़ा पानी और डालेंगे, मिक्स करेंगे। बैटर को हमने 2 मिनट तक फेटा है, बैटर गाढ़ा है। बैटर बनाने के लिए आधा कप पानी लगा, बीस मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इडली का सांचा में तेल से ग्रीस करेंगे। इडली का सांचा में तेल से ग्रीस कर लिए हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। बैटर फूल गया है और गाढ़ा भी है। 20 मिनट हो चुके हैं, बैटर फूल गया है और गाढ़ा भी है। एक चौथाई टीस्पून बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेंगे, बैटर रेडी हो गया है। इडली का सांचा में तेल से ग्रीस कर लिए हैं, बैटर को फेंट लिए हैं। इडली का सांचा में बैटर डालेंगे। सूजी और बेसन का बैटर डालेंगे। बैटर डाल दिए हैं, 2 गिलास पानी है जो गर्म हो चुका है। सांचे में बेसन और सूजी का बैटर को रख दिए हैं। पानी गर्म हो गया है, बेसन और सूजी का इडली को मिक्सी में पकाएंगे। कवर करेंगे 15 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम में। 15 मिनट हो चुके हैं, लीड को हटाएंगे। इडली फूल चुके हैं, नाइफ से चेक करेंगे, नाइफ क्लीन है। इडली पक चुके हैं, गैस को ऑफ करेंगे। ठंडा होने पे इडली को सांचा से निकालेंगे। इडली ठंडा हो गया है, इडली ठंडा हो गया है और बहुत सॉफ्ट हुआ है। इसे एक प्लेट में रखेंगे, इडली को प्लेट में रखेंगे। इडली को प्लेट में रख लिए हैं, इडली सॉफ्ट और जालीदार बना है। मूंगफली और चने दाल की चटनी बनाने के लिए, मूंगफली और चने की चटनी बनाने के लिए आधा कप भुना हुआ मूंगफली, आधा कप भुना हुआ चने की दाल, 7 कली लहसुन और 4 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। इन सारे सामग्रियों को मिक्सी में पीसेंगे, कटोरी में डालेंगे। चटनी में तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच करी पत्ता, 2 लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच सरसों, 1 चम्मच सरसों का तेल है जो गर्म हो चुका है। करी पत्ता, सरसों और लाल मिर्च का चटनी में तड़का लगाएंगे। तो चटकने लगे,
चटनी का तड़का रेडी हो गया है। तड़का चटनी में डालेंगे। मिक्स करेंगे। मूंगफली चने दाल का चटनी रेडी हो गया है। चटनी को प्लेट में रखेंगे। इडली को प्लेट में रखेंगे। मूंगफली और चने दाल का चटनी रेडी हो गया है। इडली के साथ सर्व करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें।